सीरिया में वही हुआ जिसका रक्षा विशेषज्ञ बीते कुछ वक्त से डर जता रहे थे। सीरिया में 11 साल से चली आ रही जंग एक बार फिर तेज होती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन में उलझे रूस का फायदा उठाकर इजराइल एक्शन मोड में आ गया और उसने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरा दी। जो एयरपोर्ट पर बिजली की तरह ऐसे आकर गिरी कि दमिश्क एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ा। बताया गया कि एयरपोर्ट के जो दो रनवे चालू थे इजराइल के हमले में, उन पर तीन तीन बड़े गड्ढे हो गए। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल वहां सैकड़ों एयर स्ट्राइक कर चुका है। इस बार भी जब उसने सीरिया की सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया तो रूस और ईरान उस पर बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि रूस और ईरान सीरिया में एक ही तरफ है। दोनों बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जंग की वजह से सीरिया में जैसे ही रूस की हलचल थोड़ी कम हुई, इसराइल ने लोहा गर्म देखते ही उस पर हथौड़ा मार दिया। और ये तो बस ट्रेलर है, पूरे आसार हैं कि सीरिया में इसराइल के हमले बढ़ेंगे। असल में सीरिया रूस, ईरान, अमेरिका, तुर्की और इसराइल जैसे देशों के बीच छिड़ी पावर पॉलिटिक्स का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। और जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, रक्षा विशेषज्ञों को सीरिया में भी खून खराबा बढ़ने का डर सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीरिया पर रूस की पकड़ ढीली होने से ईरान को ही फायदा मिलेगा। सीरिया में रूस की जगह ईरान ही लेगा और ईरान की ताकत बढ़ते हुए उसका कट्टर दुश्मन इसराइल कैसे देख सकता है, वो ये कतई नहीं होने देगा। इसराइल सीरिया में वहां की सरकार, ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों और हिजबुल्ला के फाइटरों को निशाना बनाता आ रहा है, लेकिन उसका असली दुश्मन है ईरान। ईरान और इसराइल का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसे में सीरिया में एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने ईरान को सीधी चेतावनी देने की कोशिश की।